नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। जुलाई महीने में दिल्ली के बुराड़ी में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। बुराड़ी के संत नगर इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। परिवार की सामूहिक आत्महत्या मिस्ट्री बन गई थी और इसमें एक के बाद एक खुलासे होते रहे हैं। लेकिन इस घटना के करीब 2 महीने बाद जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। दरअसल अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चूंडावत परिवार आत्महत्या नहीं करना चाहता था। इस मामले में अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस परिवार ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि पूरा परिवार एक अनुष्ठान कर रहा था जिसके दौरान दुर्घटनावश सारे मारे गए। दरअसल दिल्ली पुलिस ने जुलाई में ही CBI को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने के लिए कहा था। इस मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी की रिपोर्ट बुधवार को मिली, जिसमें कहा गया है कि मृतकों की मनोवैज्ञानिक ऑटोप्सी के अध्ययन के आधार पर घटना आत्महत्या की नहीं थी, बल्कि दुर्घटना थी जो एक अनुष्ठान करते समय हुई। किसी भी सदस्य की अपनी जान लेने का इरादा नहीं था। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान CBI की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी CFSL ने घर में मिले रजिस्टर्स में लिखी बातों का और पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए चूंडावत परिवार के सदस्यों और मित्रों के बयानों का विश्लेषण किया। CFSL ने परिवार के सबसे बड़े सदस्य दिनेश सिंह चूंडावत और उनकी बहन सुजाता नागपाल तथा अन्य परिजनों से भी पूछताछ की, जिसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई। अब आपको बता दें कि आखिर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती क्या है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में किसी व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही साथ उनके दोस्तों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ करके और मौत से पहले उसकी मानसिक दशा का अध्ययन किया जाता है, जिससे उस शख्स की मानसिक स्थिति पता लगाने की कोशिश की जाती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ललित चूंडावत दिवंगत पिता की तरफ से निर्देश मिलने की बात करता था। उसी ने ही परिवार को ऐसा अनुष्ठान कराया जिसमें उन्होंने अपने हाथ पैर बांधे और चेहरे को भी कपड़े से ढक लिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। चूंडावत परिवार के ये 11 सदस्य बुराड़ी स्थित घर में मृत मिले।